हाय, आज हम भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दी गई एक भाषण, जो जब वह राष्ट्रपति के लिए शपथ ग्रहण कर रहे थे उसके जस्ट बाद इन्होंने यह भाषण दिया था। यह उनका फर्स्ट स्पीच है आफ्टर प्रेसिडेंट। और इस स्पीच में जो है उन्होंने अपने आप को बताया कि कैसे वो निष्ठावान रहेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, और वह प्रतिज्ञा लेते हैं हर जगह। और जैसे पहले वाले पैराग्राफ में हम देखते हैं कि वह लोगों का शुक्रगुजार हैं, और वह पूरी तरह से जो है रोमांचित हैं कि लोगों ने अपने विश्वास से इन्हें इस पोस्ट के लिए चुना। ओके, और फिर वह जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा दिए गए योगदान को बताते हैं, और फिर वह शपथ लेते रहते हैं, यानी वह प्रतिज्ञा करते रहते हैं कि मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं यहां के संविधान के प्रति पूरा निष्ठावान रहूंगा। इसके अलावा वो लोगों के डेवलपमेंट के बारे में और वैल्यूज के बारे में, मूल्यों के बारे में, नैतिक मूल्यों के डेवलपमेंट के बारे में वह पूरे स्पीच में बात करते हैं। तो चलिए हम जो है सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। भारत इज होम, जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897-1969 बॉर्न इन हैदराबाद वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है इनका जन्म 1897 और इनकी डेथ जो है 1969 में हुई। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ। ओके, और यह जो है फ्रीडम फाइटर में से एक फ्रीडम फाइटर थे, और यह उसके साथ साथ जो है एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट भी थे। एमिनेंट महत्वपूर्ण, विख्यात और एजुकेशनिस्ट, जिन्होंने जो है एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ किया हो। जैसे इनके अगर लाइफ के बारे में हम देखेंगे तो यह करीबन 22 इयर्स के करीब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वाइस चांसलर थे, और उसके बाद वह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर रहे, फिर बिहार के गवर्नर भी रहे, और बाद में ये जो है राष्ट्रपति बने। ओके, तो इनकी ज़िंदगी से हमें यह लगता है कि ये शिक्षा से काफ़ी जुड़े हुए थे, बहुत शुरू से ही जुड़े हुए थे। और इन्होंने जो है पीएचडी इकोनॉमिक्स में और जर्मनी से की थी। ओके, तो एजुकेशन से इनका बहुत बड़ा रिश्ता था। क्लियर, तो एजुकेशनिस्ट, एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कुछ किया। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, और 1967 में यह भारत के जो है तीसरे राष्ट्रपति बने। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे राष्ट्रपति जो थे वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे जो हैं यह डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। क्लियर, अर्ली ही हैड सर्वड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। इसके पहले वह बिहार के गवर्नर थे। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। भारत इज माई होम जो है एक एक्सट्रैक्ट, एक अंश भाग है उनके स्पीच का, जो उन्होंने राष्ट्रपति के वक्त जो शपथ लिया उसके बाद का जो है यह एक स्पीच है। ओके, इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेसेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियाज कल्चर। यह उनका जो पहला स्पीच है प्रेसिडेंट होने के बाद, तो इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है यह प्रतिज्ञा लेते हैं कुछ करने के लिए, या वचन लेते हैं कि वह जो है टोटलिटी यानी संपूर्ण जो भारतीय संस्कृति है उसकी सेवा में जो है अपने वक्त को बिताएंगे, यह वह प्रतिज्ञा लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेसेस हिमसेल्फ, वह स्वयं से यह प्रतिज्ञा लेते हैं। ओके, वचन देते हैं टू द सर्विस कि वह सेवा करेंगे इंडियन कल्चर की संपूर्णता के लिए। क्लियर यहां तक। अब टेक्स्ट में, टेक्स्ट यानी स्पीच टेक्स्ट में आते हैं। भारत इज माय होम, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेलम्ड बाय द ट्रस्ट माय पीपल हैव प्लेस्ड इन माय बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। आई मस्ट कन्फेस, यह मैं कबूल करूंगा या मुझे कबूल करना चाहिए, मैं स्वीकार करता हूं
कि मैं जो है लोगों के विश्वास, जो लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया है और मुझे चुना है इस हाईएस्ट ऑफिस के लिए इस भूमि पे, यानी भारत के लिए हाईएस्ट ऑफिस यानी प्रेसिडेंट के लिए उन लोगों ने मुझे चुना है, इसके प्रति, लोगों के विश्वास के प्रति जो है मैं पूरी तरह से ओवरवेलम्ड, रोमांचित हूँ। क्लियर? ये पहले पैराग्राफ में, ये स्पीच में पहले पैराग्राफ में ये है। क्लियर? इस टेक्स्ट के अंदर डॉक्टर राधा कृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere. और दूसरे पैराग्राफ में जो है वह इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बारे में ये बताते हैं और उनके बारे में यह कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वह इस ऑफिस के लिए यानी इस पोजीशन पे, इस प्रेसिडेंसी पे जो है एक उच्च मानसिकता और अ डिग्री ऑफ एरुडिशन और ज्ञान की जो है मात्रा एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस और अनुभव की, एक्सपीरियंस अनुभव और वेल्थ मीन्स धन, अनुभव का धन या अनुभव की संपत्ति से जो है जो जो इस प्रेसिडेंसी को दिया यानी प्रेसिडेंसी में जो ये चीज़ लेकर आए वह शायद ही कहीं मिलेगा, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, शायद ही कहीं उसे पाया जा सकता है। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम अपने जीवन के दौरान डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज, वह नॉलेज के, नॉलेज को परसू करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे एंड ट्रुथ और सच्चाई के पीछे। ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। उन्होंने जितना किया है शायद कोई दूसरा उतना प्रकाश में लाए या उतना एक्सप्लेन करे जैसे इन्होंने भारतीय दार्शनिक सोच को एक्सप्लेन किया है और जो नैतिक मूल्य है, नैतिक मूल्य की जो सच्चाई है, वननेस है, उसको इन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया है। ओके, ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ। उन्होंने कभी भी जो है अपना विश्वास नहीं खोया है पूरी तरह से इन द एसेंशियल ह्यूमनिटी ऑफ मैन। जो एसेंशियल, आवश्यक जो मानवता है उसमें उन्होंने कभी भी अपना भरोसा नहीं खोया है। एंड ही हिमसेल्फ और वह स्वयं हैज नेवर सीज टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। कि सभी लोग का जीवन जो हो डिग्निटी के साथ जिए, गौरवपूर्णता के साथ जिए और उनको न्याय मिले, इसके लिए वह हमेशा जो है उन्होंने प्रयास किया, प्रयास में लगे रहे। ओके, थर्ड नंबर पैराग्राफ। आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं आपको जो है यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ यानी दिला सकता हूँ। कैन इस्तेमाल है लेकिन सेंस पे हमको जाना है। ओके, आई कैन ओनली एश्योर यू डैट आई एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मैं आपको जो है विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं इस ऑफिस के अंदर मैंने जो प्रवेश किया है, मेरी आत्मा जो है या पूरे नम्रता के भाव से और संपूर्ण निष्ठा के साथ जो है मैंने यह स्वीकार किया है या इस पद के लिए मैंने प्रवेश किया है या इस ऑफिस में मैंने प्रवेश किया है। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और मैंने जो है अभी शपथ लिया है कि मैं जो भारत का संविधान है उसके प्रति आस्थावान रहूँगा और निष्ठा से उसे मैं निभाऊंगा। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट विच इट्स फ्री सिटीजन हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ। और तुलनात्मक रूप से
यह जो नया राष्ट्र है यह स्वतंत्र आजाद नागरिकों का है जिन्होंने पहली बार इतिहास में अपने आप को दिया है। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल, यह पुराने लोगों का नया राष्ट्र है, नया राज है, हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स हैव स्ट्रिवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पिक्यूलियर वे। यह नया राष्ट्र पुराने लोगों का है जिन्होंने शताब्दियों के सहयोग से थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कॉपरेशन, यानी लंबे शताब्दियों में सहयोग से ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, इनके अंदर बहुत सी विभिन्नताएं थी, कोई किसी रेस से था, कोई किसी धर्म से था, किसी के विचार कुछ और थे, या होते हुए भी इन लोगों ने इस विभिन्नताओं के रहते हुए भी इन्होंने जो है जो मूल्य थे एब्सोल्यूट वैल्यूज उत्कृष्ट जो मूल्य हैं उनकी रक्षा करते हुए इसकी विशिष्ट जो शैली को है वह निखारा है। यानी एक नए राष्ट्र के रूप में यह निखरा है, इतने जो विभिन्नताओं होने के बावजूद भी जो पुराने लोग थे उन्होंने जो है इसे निखारा है और यह जो है एक नए राष्ट्र के रूप में निखरा है, उभरा है। ओके, आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यू, और मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं उन वैल्यूज की, उन मूल्यों की जो है सेवा करूँगा। फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू में बिकम इनएडिकेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेज, बदलती परिस्थितियों के हिसाब से हो सकता है कि कुछ जो मूल्य हैं वो इनएडिकेट अपर्याप्त हो गए हों। द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड, लेकिन जो मूल्य हैं वह हमेशा वैलिड रहेंगे, हमेशा वैलिड, वैलिड इनवैलिड, वैलिड मीन्स जो बिल्कुल कह सकते हैं हम कि जो यानी चल रही हो उसे हम वैलिड यहाँ पे कहा जाएगा। द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड, वह हमेशा जो है वैलिड रहेंगे। एंड प्रेसेज फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और हमेशा नए और ताजे एहसास को जो है वह जो है दबाव देते रहेंगे, यानी जन्म देते रहेंगे। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, जो हमारा पास्ट है, हमारा भूतकाल है, वह मरा हुआ नहीं है, वह मृत नहीं है, ना ही वह जो है स्थिर है। ओके, इट इज अलाइव, यह जीवित है। यह जीवित है एंड डायनेमिक, और गतिमान है, and is involved in determining the quality of our present and the prospect of our future, और यह जो है निर्धारित करता है हमारे present और हमारे future के विकास में। Okay, यहां तक clear? कोई problem? The process, fourth number paragraph, the process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character. इसकी जो लगातार रिन्यूअल यानी नया बनने की जो प्रवृत्ति है, वास्तव में यह जो है एक विकास की प्रक्रिया है जो राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्र का जो चरित्र है निर्माण करता है, उसे विकास की तरफ बढ़ाता है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह एजुकेशन का काम है। एज आई सी इट, जैसा मैं इसे मानता हूँ या देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, कि इसे जो है हमेशा लगातार जो है नया किया जाए, रिन्यूअल मीन्स नया किया जाए। एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन दैट माय चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज मेनली, और मैं जो है मैं आई मे बी फॉरगिवन, और मुझे इसके लिए माफ किया जाना चाहिए कि मेरा जो चॉइस है, माय चॉइस टू द हाई ऑफिस हैज मेनली, मैंने जो है इस पोस्ट को जो चुना है वो सिर्फ
मुख्य रूप से, इफ नॉट इंटायरली, नॉट पूरे तरीके से, बीन मेड एन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल. मेरा जो लगाव है, मेरा जो एसोसिएशन है, मेरा जो संबंध है, वो बहुत पहले से लोगों के एजुकेशन से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है. इसके लिए जो है मैंने इस प्रोफेशन को चुना है, या लोगों ने मुझे यहाँ पे इसलिए भी चुना है कि मेरा जो है एजुकेशन से, तो एजुकेशन से जो है इनका जो है लिंक बहुत ही पहले से है, तो एजुकेशन को ये मेंटेन करने की बात करते हैं. आगे वाले लाइन में वो ये कहते हैं, आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस. और मैं मानता हूँ कि एजुकेशन जो है वह बुनियादी अस्त्र है किसी भी नेशनल पर्पस, राष्ट्र के उद्देश्य के लिए. ओके, एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन. और जो एजुकेशन का क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वह जो है अनिवार्य रूप से इन्वॉल्व है किसी भी नेशन, राष्ट्र के गुणवत्ता में. ओके, आई देयर फोर, अतः मैं प्लेज माई सेल्फ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम एंड बाई होम सो एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड. मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं निष्ठावान रहूँगा पास्ट कल्चर से, जो कल्चर जो है हमारे भूतपूर्व में था, पहले था, उसके प्रति, चाहे वह कहीं से भी आई हो या उसे कहीं से भी लाया गया हो. क्लियर. आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटालिटी टू माई कंट्री कल्चर. मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं यह वचन लेता हूँ कि मैं अपने देश के संस्कृति की संपूर्ण सेवा करूँगा. आई प्लेज माई लॉयलिटी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन ऑफ और लैंग्वेज. और मैं यह भी प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं निष्ठावान रहूँगा अपने देश के प्रति, चाहे यहाँ पर जैसे इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, यहाँ पे बहुत से रिलीजन है, बहुत से लैंग्वेज है, इनके बावजूद भी जो है मैं निष्ठावान रहूँगा अपने देश के प्रति. आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल. मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं जो है टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ, इसके शक्ति के लिए मैं काम करूँगा और इसकी प्रगति के लिए और यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए, जन कल्याण के लिए जो है मैं हमेशा जो है कार्यरत रहूँगा, कार्य करता रहूँगा. विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, बिना भेदभाव किए हुए जात के आधार पर, धर्म के आधार पर या कलर रंग के आधार पर. द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली. यह पूरा जो भारत है वह मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं वह मेरा परिवार है. द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम. यहाँ के लोगों ने जो मुझे कुछ निश्चित समय के लिए अपने घर का मुखिया चुना है. इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रांग एंड ब्यूटिफुल. यह मेरी हमेशा जो है कोशिश रहेगी, या मैं पूरी तरह से जो है इस पे कार्यरत रहूँगा कि मैं इसे ब्यूटिफुल, सुंदर और मजबूत बनाऊँ, इस नेशन को सुंदर बनाऊँ और मजबूत बनाऊँ. अ वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल एंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ. एक ऐसा खुशहाल परिवार जिसमें सभी जो है खुशहाल रहें और जीवन को जो है वह गौरवपूर्ण बनाएं और इसमें हमेशा वह संलग्न रहें, हमेशा लिप्त रहें. ओके, सिक्स नंबर पैराग्राफ, द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस. और यह बहुत ही तेजी से जो है बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है. वी शैल
each one of us have to participate unsparingly in building its new life. We shall each one of us, और हम में से प्रत्येक को जो है इसमें participate करना होगा, भाग लेना होगा, और सख्ती से भाग लेना होगा कि हम जो है एक नई नई दिशा, नई जिंदगी दें, इट्स न्यू लाइफ, इसे एक नई जिंदगी दें, इच इन हिज ऑन वे, और सब जो है अपने वे, अपने तरीके से जो है इसे नई जिंदगी देने के लिए, नई जिंदगी देने के लिए हमेशा जो है इसमें भाग लें. ओके, फॉर शीयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country. For sheer size, यह कार्य जो है बहुत बड़ा है, यह टास्क जो बहुत बड़ा है, जो हमारे आगे जो कार्य है वो बहुत बड़ा है, और इस कार्य की यह मांग है कि no one can afford to sit back, कि कोई भी पीछे रहकर सिर्फ ना बैठे, और निराश बैठने का यह समय नहीं है. ओके, वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, और संपूर्ण देश जो है, अगर निराश कोई बैठेगा तो संपूर्ण देश जो है निराशा के संक्रमण से फैल जाएगा, और संक्रमण सब संक्रमित हो जाएंगे इससे. ओके, नेक्स्ट, द सिचुएशन डिमांड ऑफ अस वर्क, स्थिति की जो मांग है वह काम करने की मांग है, वर्क एंड मोर वर्क, कार्य और अधिक कार्य, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, चुपके से और बिल्कुल ईमानदारी से किया गया काम, सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन, सॉलिड एंड स्टडी जो मजबूत हो, स्टडी जो लगातार किसी कार्य को किया जाए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, जनता के भौतिक और सांस्कृतिक जीवन का जो है रिकंस्ट्रक्शन करना, पूर्ण निर्माण करना, इसमें हर लोगों को लगा रहना होगा, किसी को भी चुपचाप बैठना नहीं होगा, और हमें काम करना होगा बिल्कुल सिंसियरली और स्टडीली. क्लियर? सेवेंथ नंबर पैराग्राफ, द वर्क एज आई सी, जैसा मैं देखता हूँ यह काम, हैज टू aspect, इसमें जो है दो aspects हैं, दो पहलू हैं. पहला, वर्क ऑन वन सेल्फ, अपने लिए किया गया कार्य, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और अपने चारों तरफ जो समाज है उसके लिए किया गया कार्य. दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल aspect ऑफ वर्क, यह जो दोनों है परस्पर लाभप्रद काम है. द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन विच अलोन कैन रेंडर द डेवलपमेंट पॉसिबल. द वर्क ऑन वन सेल्फ, अपने लिए किया गया जो कार्य है, जो स्वयं के लिए किया गया कार्य है, वह जो है टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट, यह मोरल डेवलपमेंट की मांग करता है, इससे मोरल डेवलपमेंट की जो है जरूरत है, यहाँ पे मांग है नैतिक विकास की, एज अ फ्री पर्सन, कि एक जो है फ्री पर्सन, स्वतंत्र आदमी जो है, एंड अंदर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, अपने से डिसिप्लिन जो खुद पे उसने इम्पोज किया हो, विच अलोन कैन रेंडर द डेवलपमेंट पॉसिबल, और इस यह जो सहायता करता है कि कैसे जो है डेवलपमेंट पॉसिबल हो, विकास कैसे पॉसिबल हो. इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, और इसका जो परिणाम है वह एक स्वतंत्र नैतिक पर्सनालिटी. वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, जो इसका परिणाम होगा उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं सिर्फ जो है विनाश के रूप में. दिस एंड प्रोडक्ट यहाँ पे itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society in which it's privileged to serve a better, a juster, at a more graceful way of life. We यहाँ पर देखें आप, this end product, यह जो परिणाम है,
यह जो है बिल्कुल अलग नहीं रह सकता है बिना खोजे हुए या बिना जो है साथ रहे हुए सोसाइटी के साथ ही यह चलेगा. टू विच इट इज प्रिविलेज टू सर्व अ बेटर. और यह जब सोसाइटी से मिलकर जब यह काम किया जाएगा तो यह एक बेहतर काम होगा और यह एक गौरवपूर्ण जीवन जीने में जो है यह हेल्प करेगा. यहाँ पर एक चीज़ कहा जा रहा है कि एक अपने लिए किया गया कार्य और एक समाज के लिए. अगर सिर्फ अपने लिए आप काम कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि आपके अंदर सेल्फनेस आ जाए. तो उस सेल्फनेस को दूर करने के लिए मोरल डेवलपमेंट का होना ज़रूरी है. और वह मोरल डेवलपमेंट जो है, वह नैतिक विकास जो है, वह सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, यानी आप अपने ऊपर डिसिप्लिन को इम्पोज करेंगे, थोपेंगे, तभी वह हो सकता है. लेकिन अगर ऐसा ना हो तो इसका परिणाम जो होगा वह खतरे से खाली नहीं है. इसलिए अपना विकास अगर समाज के साथ किया जाए तो जिंदगी को जो है एक नई राह मिलेगी. और यह दोनों परस्पर अगर हो तो यह बेहतर है, यह नेशन के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा. क्लियर. द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस. कोई भी इंडिविजुअल जो है पूरे परफेक्शन के साथ, पूरा परफेक्शन नहीं पा सकता है जब तक कि वह अपने कदम पूरे कलेक्टिव रूप से सोशल एग्जिस्टेंस की तरफ लेके ना चले. यानी सामूहिक रूप से अगर कोई नहीं सोचे, पूरे अस्तित्व के बारे में नहीं सोचे, तो सिर्फ अगर चाहे कि मैं खुद ही परफेक्ट हो जाऊं तो डैट्स रियली वेरी टफ. क्लियर. लेट अस रिजॉल्व, अब हम इस समस्या का हल करें. टू गेट होल हार्टेडली, पूरे दिल के साथ, होल हार्टेडली engaged in this two aspect of work, individual and social. इन दो जो work के पहलू हैं इनमें हम जो engaged रहें पूरी तरह से, individual and social में पूरे हृदय के साथ. ओके. एट नंबर पैराग्राफ. The dual effort, यह जो दोहरी कोशिश है, will give to the life of our state a special flavor. हमारे राष्ट्र को जो है एक विशेष फ्लेवर, विशेष स्वरूप देगा. यह दोहरी जो कोशिश है, फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर. यह राष्ट्र जो है हम लोगों के लिए सिर्फ एक संगठन नहीं है शक्ति का, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एक नैतिक जो है यह संस्था भी, ऑर्गेनाइजेशन भी है. इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी. डैट पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पसेज. यह जो है हमारे राष्ट्रीय भावना और यह इनहेरिटेंस यानी उन लोगों से लिया गया है जो हमारे ग्रेट लीडर हैं इस आज़ादी के मूवमेंट में, लिबरेशन मूवमेंट, आज़ादी के आंदोलन में, महात्मा गांधी जैसे नाम है. द पावर शुड बी यूज ओनली फॉर, यह जो शक्ति है यह मोरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, नैतिक जो है उद्देश्य होने चाहिए. द पीस ऑफ द स्ट्रांग इज वॉट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर. एक मजबूत की जो शांति है यानी शक्ति जो यह है कि हम अपने काम के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान रहें. आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल डैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क. मुझे अपने लोगों में पूरा विश्वास है कि वह लाएंगे वह एनर्जी जिसकी ज़रूरत है और जो इस काम को सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दे इस दोहरे वर्क में, दोहरे टास्क में. इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइज. और इस महान कार्य में योगदान देना मेरे लिए गर्व की बात है इस महान काम में. तो यह भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया एक लेक्चर स्पीच है जो शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने दिया था. इससे हमने देखा कि उन्होंने शपथ, इसमें जो है बार बार शपथ लेने की बात हो रही है क्योंकि शपथ के वक्त का ही है, प्रेसिडेंट के जब वो बने उस वक्त
का है, ये जो है यह स्पीच है, इसकी वजह से आई प्लेज आई प्लेज आई प्लेज वर्ड जो है काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, जिसमें मैं वचन लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं लोगों के प्रति निष्ठावान रहूँगा। तो ये लेसन जो है पूरी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप कमेंट जरूर करेंगे, ओके, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।